हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर्टिस्टिक मनस्पर्श। आज मैं ये मिनिएचर पेंटिंग आपको करके दिखाऊंगी राधा। मेरा कैनवास बोर्ड रेडी है, ये फर्स्ट एंड देन सेकंड और ये थर्ड, दो पैरेलल होने चाहिए दो दो, तो ये दोनों एक बराबर हैं और ये थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, तो ये पांच मैं कैनवास बोर्ड से आपको पेंटिंग करके दिखाऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो मेरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। कृष्ण जी का इसके लिए सबसे पहले मैंने पेंसिल से सारे स्केचेस कर लिए हैं और आप भी पेंसिल से पहले स्केच कर दीजिएगा। इस बार मैं कलर से स्केचिंग इसका नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसमें बीच बीच में काफ़ी जगह नहीं ब्लैक यूज़ किया गया है। और उसके बाद मैंने ब्लू कलर में वाइट कलर अप्लाई किया, मिलाया और इसको फेस पे अप्लाई कर दिया है। जो कलर है वो थोड़ा सा आपको डार्क ही करना है, बहुत ज़्यादा पानी मत उस पर यूज़ करिएगा क्योंकि फर्स्ट लेयर ही मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्लू कलर के लिए। और उसके बाद हाथ में भी ब्लू, इनका ब्लू कलर है तो वहाँ पर भी मैं अप्लाई कर दे रही हूँ। मतलब जिस जगह पे ब्लू कलर है हमको हर जगह ब्लू कलर अप्लाई कर देना है। और उसके बाद ये वाइट कलर से मैं सेकंड लेयर कर रही हूँ। लेयर्स तो आपको काफ़ी करने पड़ेंगे अगर हाइलाइटिंग के लिए आपको चाहिए तो, क्योंकि आंखें थोड़ी सी कहीं उभार होता है, कहीं नीचे होता है, कहीं ऊपर होता है, तो उसके लिए हम लेयर्स अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे वाइट लेयर का यूज़ कर रही हूँ उसको हाइलाइटिंग के लिए। तो देखिए जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही करना है। और सिर्फ फेस पे ही नहीं, जहाँ पे भी हाइलाइटिंग का ज़रूरत है वहाँ पे मैं इसी तरीके से लेयर्स अप्लाई कर रही हूँ और उसको मिक्सिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आईब्रो मैंने किया और इनके आई लंबी पतली होती हैं मिनिएचर पेंटिंग में, तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। अप्लाई कर रही हूँ ब्लैक कलर जिससे इनका आई उभर कर आ जाए। और आप ये पेंटिंग ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स, ये ट्यूटोरियल इसीलिए मैंने डाला है ताकि आप एकदम रियलिस्टिक ये जो पेंटिंग है उसका आप अपने घर पे बना सकें। और इसका जो रेफरेंस है उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके कॉपी कर सकते हैं। लिप्स को मैंने डार्क पिंक किया है और इसमें सबसे खास बात है इस पगड़ी को, पहले इसको मैंने ऑरेंज कलर से कर लिया था, उसके बाद ये लाइनिंग में कर रही हूँ, लाइनिंग में डार्क ऑरेंज कर रही हूँ, रेड में थोड़ा सा मैंने येलो मिलाया था और उसके बाद ये लाइनिंग मैंने कर लिया। और उसके बाद ये मोर पंख जिसमें मैं येलो कलर और ग्रीन कलर अप्लाई करूँगी। इस पेंटिंग में मैं कृष्ण जी का जितना भी पार्ट है पहले कर लूँगी उसमें, और इनका श्रृंगार करना भी पूरा बाकी है जो कि बहुत ही इनको एक अलग से यूनिक लुक देगा। और ये देखिए मोरपंख मैंने बहुत सिंपल में रखा है और लाइनिंग जो अभी मेरी बाकी थी पगड़ी में उसको मैंने कंप्लीट किया। और ये कलगी कहते हैं, कलगी भी बहुत सुंदर लगता है और मैं कलगी को बहुत ही खास डिज़ाइन करूँगी यहाँ पे। और इसके लिए मैंने पिंक कलर अप्लाई किया है और ये कलगी मेरा कंप्लीट हो गया। और जो ये डॉट्स हैं इसको करने के लिए, एकदम राउंड डॉट्स करने के लिए मैंने स्टम्प पेपर यूज़ किया है जिससे कि एकदम गोल गोल और राउंड डॉट हो रहा है। तो अगर आपके पास स्टम्प पेपर है तो आप यूज़ करिए, और नहीं होता है तो आप हमें कमेंट करिए बताइए, मैं आपको स्टम्प पेपर बनाना बताऊँगी। और ये देखिए इनका मैंने झाला झुमका बनाने के बाद ये हार इनको पहना दिया है मैंने कृष्ण जी को, और सच में बहुत ही अद्भुत दिख रहे हैं, है ना फ्रेंड्स। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए मैं एकदम ईजिएस्ट वे में प्रेजेंट कर रही हूँ इसको, और अगर आप बना लेंगे तो हमें बताइएगा ज़रूर। इस पेंटिंग में जो कृष्ण जी का बांसुरी है ना उसको भी मैंने मोर का आकार दिया है और काफ़ी इसमें डिज़ाइनिंग किया गया है। इस मुरली में भी देखिए काफ़ी सुंदर लग रहा है, एकदम यूनिक सा। और चलिए फ्रेंड्स, बाकी का पेंटिंग हम म्यूज़िक के साथ स्टार्ट करते हैं।